जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख रखा होगा, बहुत ज्यादा ऑसम था ना गाइस। डे वन डे टू कंबाइन करके एक साथ डाला, बड़ा ऑसम रहा, सारे एडवेंचर एक साथ घुसे डाले। और सोनू भाई तैयार हो रहे निकलने के लिए, अब पहले जा रहे हैं हम लोग गोल्डन टेम्पल, जलिया वाला बाग, वहाँ पे भैया मुझे जाना ही है। और वहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, देख के कि मुझे क्यों वो जगह जानी थी जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगा वो जगह पिछले बार कंपनी में। चलिए अब आगे मिलते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं गोल्डन टेम्पल के लिए और काफी दादू स्टेयर्स हैं हमारे यहाँ पे। शानदार मॉर्निंग है अमृतसर की, अब पीपी भी सुन ली। अब भाई यहाँ पे लस्सी चल रही है, लस्सी वस्सी चलेगी। गाइस यहाँ की जो लोकेशंस हैं और जलियांवाला बाग, आपका जो मैं घूमना चाह रहा था वो उस टाइम क्लोज है। यहाँ के टूरिस्ट गाइड बता रहे हैं पिछले दो साल से ये ओपन नहीं हुआ है। मेरे इन्फॉर्मर्स के थ्रू पता चला है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लॉकडाउन के बाद से। भाई गोल्डन टेम्पल में हम लोग एंटर कर चुके हैं और जो सामने के नज़ारे हैं ना गाइस, स्पीचलेस, बहुत ज़्यादा जबरदस्त है। जस्ट अभी निकला हूँ मैं बाहर, अंदर अलाउ नहीं था कैमरा में चलाने के, और बार बार गार्ड आके सस्पिशियस हो रहा था हम लोगों को कि मैं कैमरा चालू कर रखा है, तो मैंने इसलिए शूट वगैरह ज़्यादा किए नहीं, बट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों हम लोगों ने रूम से चेकआउट कर लिया और हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए। और ये नाइट में जो गोल्डन गेट देख रहे थे भाई साहब, दिन में तो और ज़्यादा क्लासी लग रहा है यार। ओ तो तेरी, ओ ये क्या हुआ यार, शिट हुआ क्या है, इधर से कुछ नहीं। ओह शिट यार, फॉग लाइट टूट गई गाइस। मतलब 95-100 की स्पीड के बीच में था मैं, मतलब आर्मी ऑफिसर्स को बाय बाय कर रहा था। बाद में मैंने देखा कि यार ये मेरी फॉग लाइट पूरी टूट गई है, और इसकी जिस तरीके से टूटी है ना गाइस, मैं बता नहीं सकता, धुआं निकल गया, इतना बुरी तरह डर गया था मैं। गाड़ी तुरंत मैंने रोकी, मैंने कहा ये हुआ क्या, ऐसा लग रहा सस्पेंशन वगैरह नहीं टूट जाता, वैसा वाला फील आया था। अभी दिखा देता हूँ कैसा है, देखो मैंने इसको टेम्परेरी कर रखा है यहाँ से, इस जगह से, यहाँ से पूरा टूट गया है। अब इसके लिए मैं एक्स्ट्रा प्लेट्स में लेके आया था, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि प्रिपेयर रहा करें, कोई भी राइड पे जाएं अपने तरफ से बेस्ट तैयारी रखें जितना कर सकते हैं। अब आप लोग कुछ लोग सोचेंगे कि भाई पहले से ही से पता था ये पत्ती टूटेगी, भाई किसी को पता कुछ नहीं होता, तब भी ये देख रहे, बस कोइंसिडेंस देखिए आप लोग, मेरे पास ऑलरेडी ये था, मैंने इसको ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लिया था, इसके लिए हिसाब से मेंटेन करके इसको कर दिया पूरा कंप्लीट। ऑल सेट गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दो ट्रेजेडीज होने से बच गई। एक तो पहला फॉग लाइट वाला सीन आप लोगों ने देख लिया किस टाइप से हुआ, जस्ट उसके आधे से एक घंटे बाद हम लोग नॉर्मल रोड पे थे, उसके बाद क्राउडेड रोड था, उससे हम लोग हटने के बाद पठानकोट वाली रोड पे चढ़े, उसका नॉर्मल क्रूज करने लगे थे, बहुत स्मूथ रोड है, बहुत मक्खन की तरह चल रही थी गाड़ी। मतलब वही आता ना, जब इंसान कंफर्ट जोन में आ जाता तो आलस आने लगता है, नींद आने लगती है, जबकि हम लोग सो चुके थे। ये रहे महाराज हमारे, छोटे भैया हमारे, इनकी आँख लग गई, वो भी अच्छी खासी 80-90 की स्पीड पे थे। तब भाई साहब रोड के साइड में गाड़ी घुसने लगी, मैं समझ ही नहीं पाया हो क्या रहा, ऐसा लगा मेरा टायर पंचर हो गया या फॉग लाइट टूट के कुछ हो गया है या फिर ब्रेक फेल हो गया, कुछ भी व्हाटएवर, बंदे की गाड़ी साइड में घुसने लगी इस जगह, ये वाला पोर्शन देख रहे हो। मैं हम लोग इधर इसलिए स्टे किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता उसके ऊपर दिमाग में थोड़ा प्रेशर पड़े, और थोड़ा डर भी गए हैं हम लोग भी, भाई हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए सर, दो सीन हो गए हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। हमारे छोटे भाई को थोड़ा सा नींद वगैरह आ रही थी तो हमने स्टॉप लिया। और गाइस सबसे बड़ा अपडेट, फाइनली लद्दाख की मतलब तरह से जो आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट चेक होती है लखनपुर, तो वहाँ पे जाके हम पहले आरटीपीसीआर चेक कराएंगे। भाई पहला सुकून ये आएगा कि हाँ लद्दाख में एंटर करने वाले, तब डॉक्यूमेंट तो फिर काम आएगा ना, अभी तक डॉक्यूमेंट तो बस। काफ़ी दिनों बाद पल्सर 150 चलाने जा रहा हूँ, वो भी लद्दाख राइड के लिए। फिलहाल हम लोग गाइस लखनपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द जाहिर कर पूरे दिन का 200 किलोमीटर की राइड बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बना दी, बहुत ज़्यादा मस्ती की है रास्ते में, और फॉर्मेलिटीज़ कुछ हैं, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट यहाँ लग रही है पीडीएफ फॉर्म में, और आप
स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हो, हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं, अगर पेपर लाने की फोटो कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फॉर्मली दिखा दीजिए, वो आपको जो कोड होगा वो चेक करने के बाद आपको उसके फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे इस टाइप का कुछ, और कुछ फॉर्मेलिटीज है छोटी मोटी जो आपको फिलअप करनी है बस, और वो दे देना। PCR रिपोर्ट हम लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया गाइस, चलो हम बाद में छोड़ते हैं, बस मैं इतना एक्साइटेड हूं, हुर्रे काम हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। चलो भाई साहब आरटीपीसीआर क्लियर हो गया, मेरा पास हो गया है और ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, बस नॉर्मली चेक कर रहे हैं, बस नाम पूछा आरटीपीसीआर है या रैपिड टेस्ट है, मैंने बोल दिया आरटीपीसीआर, तो उन्होंने क्लियर कर आज मैं आ चुका हूँ डे 4 में और एपिसोड 2 ही चल रहा है, जैसे आप लोगों को पता होगा, और मॉर्निंग में कैंपिंग हम लोगों ने जस्ट ऊपर की थी एक छोटे से फुव्वारे में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, देखो यूएफओ जा रहा है ऊपर। और भाई कल की जो ट्रेजेडी हुई थी ना, रात मैंने शूट इसलिए नहीं किया था कि थोड़ा सा सीरियस मैटर हो गया था, मोहित के सामने कोई पागल सा बंदा आ गया था और मोहित पीछे छूट गया था, रीजन ये था, फिर रुका हुआ था एक जगह पे और हम लोग पीछे से एकदम सडनली उसके सामने से निकल गए, उसने नोटिस भी नहीं कर पाया, वो वहीं रुका रह गया और हम लोग लखनपुर बॉर्डर पर क्रॉस कर चुके थे, तो इस चक्कर में पता सीन क्या हो गया, सीन ही हुआ वहाँ सेम हम सबकी क्लोज हो गई, तो होपलेस हो गया था बिल्कुल कि सीन करे तो करे क्या भाई, भाई बंदा डर गया, फिर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन फिर वापस गए स्लोली स्लोली, जबकि हम जम्मू में जाके स्टे करना था, फिर हम लोग जम्मू से पहले 75 किलोमीटर पहले स्टे कर लिया हम लोगों ने। और भैया इस गुरुद्वारे ने बहुत हेल्प की, होटल वगैरह रात में मिलने था क्योंकि वो थोड़ा टेंस माहौल हो गया था बहुत ज़्यादा, तो फिर हमने वो सही समझा कि स्टे करते हैं, कैंपिंग वगैरह करते हैं। और उस सीन के बाद जो सीन हुआ भाई देखने लायक है, मेरी गाड़ी पंचर तो पंचर, यहाँ पे साथ ही साथ मोहित की गाड़ी भी पंचर, चलो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इसकी गाड़ी का पंचर, अभी जस्ट राइट मैंने ठीक किया है, साथ ही साथ गाइस मेरी बाइक का भी पंचर हो गया है, इसको आप रिकवर करेंगे भाई कैसे भी करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता रास्ते में फिर से स्टे करना पड़ा। भाई मोहित की मोहित छोड़, इतनी बेशरम की मेरी गाड़ी में भी घुस गई भाई साहब, डिओड्रेंट है किसके पास? अरे डिओ वाली बात तो मुझे याद आया, मेरे पास हेयर स्प्रे रखा हुआ था जो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ, अक्षत तो मेरे साथ आए हुए हैं, अक्षत भाई को ये लगा कि वो डिओ, उन्होंने लगा लिया, अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, वो मेरी शक्ल देख रहा है, अच्छा नहीं है, अरे मैं आपकी सामान यूज नहीं करूँगा, उसे लगा कि मैं सामान लेकर मुँह बना रहा हूँ, अच्छा मैंने बताया उसे हेयर स्प्रे है वो, भाई बंदे का मुँह देखने लायक, अब फिर अपने डिओ कह रहा अगर मैंने डिओ अंदर लगाया हो तो मेरे अंदर आपके बाल खड़े हो गए होते सारे, हमारा एयर इंसुलेटर दामेदार वाला, हाँ 42 में एयर करने वाला हूँ, इससे मेरी स्पीड थोड़ी सही है, हाँ जनरेटर स्टार्ट हो चुका है, भाई साहब जम्मू में घुसते ही जम्मू खूबसूरती देख रहे हो, यहीं से थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है, मजा आ रहा है यार। गाइस हम लखनपुर बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और ये क्या जगह का नाम क्या है? चढ़वाल हम लोग आए हैं यहाँ सिम परचेज के, और सिम का जो प्राइस पड़ा है मुझे 400 रुपीज़ का पड़ा है, और ये सिम ऑल अराउंड लद्दाख में काम करेगी, मेरी पैंगोंग में पता नहीं काम करे या ना करे मुझे नहीं पता, बट अब अपने चाहने वालों से मैं कॉन्टेक्ट में रहूँगा यार, सबसे बड़ी बात। गाइस यार बहुत बड़ा स्यापा हो गया मैं यार, गलत रूट पे आ गया, जम्मू रूट तो मुझे आना नहीं था, जम्मू रूट पे आ गया, उधमपुर का लोग 20 किलोमीटर पीछे रह गए, ये लोग निकल गए, अब मेरा वेट कर रहे होंगे, दिमाग काम नहीं करता ना कभी कभी दूसरे का नंबर ऐड करने के चक्कर में, मुझे यहाँ से करीब 5 से 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा क्रॉस करने के लिए, दैट्स व्हाई मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा ऑफ रोडिंग कर लेता हूँ, इस साइड से मैं ऑफ रोडिंग करने की सोच रहा था, अरे मतलब छोटा सा एडवेंचर हो जाएगा यार, मतलब यो ओ तेरी मजे आ गए, कौन कहता V3 ऑफ रोडिंग नहीं कर पाती, देख लिया सब लोगों ने प्रूफ है, अरे भैया खाओ यार भूख लग रही है, हम लोगों ने जम्मू की साइड से थोड़ा कट ले लिया है, उधमपुर की साइड से हम लोग जा रहे हैं क्योंकि
इस साइड कॉर्नरिंग वगैरह बहुत ज्यादा ऑसम तरीके से हो सकती है, हम लोग साइड जा रहे हैं। और आप लोग जिस तरीके से लोकेशन देख रहे हो ना, आई कॉन्ट डिफाइन मैन, आई कॉन्ट डिफाइन, मतलब हद से ज्यादा जिगजैग पैटर्न है यार। असल एक छोटे से पत्थर पे चीटियां चल रही है, उस टाइप की फीलिंग आ रही है, इतनी ज्यादा ऑसम लग रहा है। ये होता है व्यू यार, ये मेरी पहली टनल पड़ी है, मिनी टनल। गाइस 30 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा चौड़ा जाम मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा जाम था गाइस। मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब जाम से स्टार्टिंग में ही फंसे हुए रह गए, मैं निकल आया था क्योंकि मैं साइड बाइड से ऑफ रोडिंग करते हुए निकल आया था, बट यार वो लोग अभी वहीं पर रह गए हैं। देखो मुझे आगे जाके वेट करना पड़ेगा और अब उनको आने में कितना टाइम लगेगा वो भी देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऑसम एक्सपीरियंस था मेरा टनल का गाइस, सच में मज़ा आ गया यार। गाइस आप लोगों को बताना चाहूँगा, जस्ट मैं अभी 2 किलोमीटर से गाड़ी के इग्निशन को ऑफ कर रखा है और बस गाड़ी ग्लाइड करके रह गई है, और ग्लाइड में स्पीड कम होती है तुरंत बढ़ जाती है, देख लेना खुद। मैंने इग्निशन ऑफ कर गाड़ी का, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ देखो प्रूफ। तो मैं कंटिन्यू 2 से 3 किलोमीटर से यही कर रहा हूँ, पेट्रोल बचा रहा हूँ। 4 किलोमीटर से ऊपर हो गया है, 4 to 5। यार पता नहीं कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर देती है, वो चीज़ अभी मेरे साथ हो रहा था, बहुत देर परेशान था बाइक चलाते चलाते, बट अब मज़ा आ रहा है ग्लाइडिंग करने में फुल ऑन। भाई साहब अब नहीं लगता मुझे ग्लाइड कर पाएंगे, ज़्यादा ऊंचा है यार। इतना लंबा छोड़ा राइड करने के बाद दिमाग इतना ज़्यादा थक गया है, कुछ कहने के बाद नहीं। क्रूज करते हुए आने की कोशिश कर रहा था मैं, मगर इतना 30 किलोमीटर से ज़्यादा का लंबा ट्रैफिक था यार, और इतना इरिटेटिंग था मेरे लिए कुछ कहने के बाद नहीं। फिर मैं यहाँ पे राम वन में आके रुका, क्योंकि हम लोगों का डिस्कशन हुआ राम वन में आके रुकते हैं, बट यार प्रॉब्लम ये कि ये लोग आने में इतना डिले हो गया, ये लोग मेरे पास आ पाए 11 बज रहे हैं इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में 11:30 हो रहा है और हम लोग रूम में अब जाके एंटर किया है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आँखों में, बहुत ही ज़्यादा, वाइजर ओपन करके चलाना पड़ा था, इतनी धूल उड़ रही थी रास्ते में यार। और अच्छा तो यार भूल गया, अभी तो ये बजाने का भी मन नहीं कर रहा यार, पूरे रास्ते थक गए, बाहर नज़ारे इतने अच्छे हैं पर बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, इतने थक गए यार, पूरे रास्ता खराब था। उसकी तो हालत खराब है क्योंकि अगर सोलो राइड कर रहा था, पीछे बैठा बैठा तो बोर हो रहा है। तो गाइस मतलब समझ चलिए गाइस, इस दिन को और इस राइड को इंजॉय कर चुका हूँ मैं, सब बीत गया सो बीत गया, अब जीरो चलिए हैंड करते हैं। नेक्स्ट डे बहुत ऑसम, बहुत एडवेंचरस होने वाला है, और मैं भी बहुत टायर्ड हूँ, बहुत दम लगा के बोल रहा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मुझे इस वीडियो पे लाइक और कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन जानकारी चाहिए कि यहाँ पे कितना एक्सपेंस आया, कैसा क्या करा है, मैंने पूरी राइड कैसे किया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके 24/7 किसी भी टाइम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और कल चलते हैं श्रीनगर की तरफ और देखते हैं कितना ऑसम एक्सपीरियंस होने वाला है, और श्रीनगर की भी कुछ खबरें बहुत ज़्यादा गलत आ रही हैं, लाइक शायद मैंने सुना है कि यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह है, ये लोग भी बता रहे हैं, तो देखते हैं। 4G बंद है, 2G चल रहा है, सिचुएशन अगर सही हुई तो बोट हाउस में रुकने की वहाँ रुकेंगे, अदरवाइज तो देखी जाएगी। अब बस लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। पर आता है यहाँ स्टे करने के लिए दोबारा, क्योंकि मैं पिछली बार जब आया था तो अब भी बहुत ऑसम था और अब भी उतनी ऑसम है, देखते हैं सिचुएशन क्या है। एंड नाउ सिचुएशन देख रहे हो ना, आज इधर कोई है ना इधर कोई है यार, अब क्या कर सकता हूँ।